तो देखो, हमारे पास एक ग्लास की बनी ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास एंड डिस्कवर्ड बाय या इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। ये ट्यूब किसने बनाई थी? माइकल फैराडे ने। इस ट्यूब में हम दो चीजें करते हैं। एक, इसके अंदर से प्रेशर कम कर देते हैं। तो दैट मीन्स हम वैक्यूम लेकर इसमें से प्रेशर क्या कर देते हैं? कम, लो प्रेशर। दूसरी चीज, इसके अंदर हाई वोल्टेज कंडीशन लगाते हैं। कैसी कंडीशन लगाते हैं? हाई वोल्टेज। तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, एक पॉजिटिव, और यहां पे एक स्विच। तो करंट मूव कैसे करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट मूव कर रहा है मान लो। पर क्या करंट मूव करेगा अगर ये दो रॉड्स के बीच में स्पेस है? तो क्या फोन का चार्जर ऐसे चार्ज करता है? नहीं, बिकॉज जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है तब तक करंट मूव नहीं करेगा। ये वाली बात क्लियर है? तो पर यहां पे करंट चलने लगा। करंट चलना नहीं चाहिए था बट करंट चलने लगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? और ये दो कंडीशन जिसमें कैथोड रे ट्यूब काम करती है, एक है हाई वोल्टेज और दूसरी है लो प्रेशर। एक हाई वोल्टेज, एक लो प्रेशर। तो इस केस में कोई ना कोई चीज तो होगी जो करंट को चला रही है और हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही। यही बात है ना, करंट चल रहा है दैट मींस कोई ना कोई पार्टिकल इसको मूव करा रहा है पर हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको देखने के लिए एक कोटिंग कर दी गई। और ये कोटिंग किसकी करी गई? जिंक सल्फाइड की। तो यहां पे हमने कोटिंग कर दी किस मटेरियल की? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो होता है एक फॉस्फोरसिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फॉस्फोरसिंग। दैट मीन्स इट ग्लोज जब कोई पार्टिकल इस पे हिट करता है। जैसे ही कोई पार्टिकल, एनर्जेटिक पार्टिकल इस पे हिट करेगा तो वहां पर हमारे को एक मार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जैसे यहाँ पे मार्क दिखा, यहाँ पे मार्क दिखा, यहाँ पे मार्क दिखा, तो मार्क दिखने लग गए। दैट मीन्स कोई ना कोई पार्टिकल है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेगेटिव रॉड एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव रॉड। और ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। नेगेटिव रॉड का नाम होता है कैथोड। तो इस पार्टिकल का नाम दिया गया कैथोड रेस। इन पार्टिकल का क्या नाम दिया गया? कैथोड रेस। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव रॉड एंड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड। ये वाली बात समझ में आई? तो इस पार्टिकल का हमने क्या देखा? इस पार्टिकल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करी। तो हमने ये पाया कि प्रॉपर्टीज में दीज प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन दी गैस जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उस पे डिपेंड नहीं करता। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे लिखते हैं। ये सब करना है, ड्रॉ भी करना है साथ साथ, या तुम्हें वो दूं, मॉड्यूल दूं? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। फर्स्ट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रैवल? फर्स्ट पॉइंट है दैट दे ट्रैवल इन स्ट्रेट। हाँ बनाना है। तो जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी उसकी बात करें, स्ट्रेट लाइन में चलता है। और ये जो कैथोड रेज है ये डिपेंड नहीं करते किस पे?
कि अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करते। दैट मीन्स अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट हो पर दे वुड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थर्ड, स्टार्ट फ्रॉम विच रॉड, स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ चल। ठीक है, तो ये कैथोड रेज है क्या? ट्रैवल इन स्ट्रेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। तो कैथोड रेज है क्या? ठीक है, तो कैथोड रेज वर लेटर रीनेम्ड एज इलेक्ट्रोड। कैथोड रेज वर लेटर रीनेम, लेटर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोल दिया गया था बाद में? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट, मिटा दें। तो सेकंड, इसी के ऊपर थॉमसन ने, अच्छा ये किया किसने था, डिस्कवर किसने किया? नहीं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। ट्यूब किसकी थी? माइकल फैराडे की, पर उसमें एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था? जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक डन है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जे जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो। जे जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो, देखिए हमारा जे जे थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब को मॉडिफाई कर दिया। तो एक कैथोड रे ट्यूब अब कुछ इस प्रकार दिखी, इसके अंदर यहां पे नेगेटिवली चार्ज रॉड कैथोड और यहां पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड, एनोड के बीच में होल कर दिया। ठीक है, तो कैथोड रे जो चलती थी वो कहां से चलेगी? यहां पे हिट करेगी। अच्छा पहली बात तो ये मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से, या कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ये कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हुए होंगे। कहां से प्रोड्यूस हुए? हवा में से थोड़ी निकला है, या हवा से निकला है? लो प्रेशर था, अंदर क्या था? लो प्रेशर था। तो प्रेशर लो था तो गैसेस तो थी, वैक्यूम तो नहीं था, तो वैक्यूम नहीं था, लो प्रेशर था। लो प्रेशर के अंदर हाई वोल्टेज में आयनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनाइजेशन। तो हुआ क्या? H2 breaks into 2H plus and plus 2 electron। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे दे बिकेम कैथोड रेज, ये क्या बन गए? ऐसे जो भी गैस इसके अंदर भरी जाती वो हाई वोल्टेज में आयनाइज हो जाती। क्या हो जाती? आयनाइज होके वो क्या रिलीज करती? इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जाके हिट कर रहे थे। तो ये कहां से आए थे कैथोड रेज? ये वाली बात भी समझ आ गई है? यस और नो? ठीक है, हाँ, तो आयनाइजेशन, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा था जे जे थॉमसन की कैथोड रे ट्यूब बनाओ।
तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो पॉइंट ए बी सी, तो कैथोड रेज स्ट्रेट मूव करती थी तो कहां पे हिट करेगी, बी पे। उसने दो चीजें और लगाई, एक मैग्नेटिक पोल्स लगा दिए नॉर्थ साउथ, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगा दी। क्या लगा दी, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और एक इलेक्ट्रिक। तो हुआ क्या, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करता था तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाता था, ए पे जाता था, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन। जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करता था उसने इस तरीके से लगाई थी कि मैग्नेटिक फील्ड से वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड चली जाए, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है उसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ले जाए। तो ये दो चीजें उसने मॉडिफाई की। ठीक है, यहां तक इस बात समझ में आ रही है? नहीं। ये वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वैसे तो स्ट्रेट लाइन चलता है, बी पॉइंट पे हिट करता, पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया कि वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ पे मूव कर जाए। क्यों, उसका रीजन तो अभी मैं बताऊंगा। पर उसने एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जिससे वो एक पॉइंट पे जाए, और दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे ही कि वो दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे पहुंचे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये बंद था तो ये नीचे जा रहा था, यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, यहां पे हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन, बट दूसरा ऑफ है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन था तो ऊपर ले जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड ऑन था तो नीचे ले जा रहा था। यहां तक बात क्लियर है? अब उसने क्या किया, दोनों को ऑन किया, दोनों को क्या किया ऑन। तो वो ऑन होकर यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हुई तो बी से ऊपर मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हुई तो बी से नीचे मिलेगा। ये वाली बात तो क्लियर है? तो यहां पर ये सब करने से क्या फायदा, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल है किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता होगा, किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो अपने पाथ से क्यों हट रहा है? पहला तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और किस चीज पे डिपेंड करता होगा कि वो कितना मूव कर रहा है, किस पे? करंट का फ्लो। ठीक है, करंट के फ्लो से तो नंबर बढ़ जाएंगे पर डिफ्लेक्शन तो नहीं बढ़ेगा, और वो तो हो गया ना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। और गैस से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, अभी हमने किया कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ रेशियो भी नहीं, चार्ज ऑन दी पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा या नहीं, जो भी उस पे चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा और उसके मास पे भी तो डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। हाँ या ना, हल्की चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, भारी चीज कम रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें से दो चीजें तो थॉमसन खुद लगा रहा था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, और ये दो चीजें अननोन थी, ये दोनों चीजें क्या है अननोन, यही तो ढूंढना चाह रहा है। तो ये दोनों एक बार में तो नहीं निकलेगी, दोनों एक बार में नहीं निकली, पर इन दोनों की रेशियो निकल गई, ये दो वैल्यूज हमें पता थी और ये दो वैल्यूज हमें नहीं पता, पर इन दोनों की रेशियो निकल गई इन दोनों की कैलकुलेशन से। वो कैलकुलेशन हमें नहीं दिखा रखी क्योंकि हम उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते ना एनसीईआरटी में, ना जेई में, ना नीट में। तो हमें ये जरूर बोला है कि चार्ज अपॉन मास ही वाज एबल टू कैलकुलेट यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, और वो रेशियो आई थी 1.75 × 10^11 कूलम पर केजी। ये है इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव, समझ आया तो बनाना। क्या हुआ, नोट करो ये सारा। हाँ डायग्राम, डरे
डन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट थर्ड, दिखाऊं? क्या है? S का है। ये नॉर्थ साउथ पोल बना है मैग्नेट में। यस, तो हमारे कौन सा है, फोर्थ या थर्ड? थर्ड, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो मिलिकन ने एक और एक्सपेरिमेंट सोचा और उसे ट्राई किया। ही यूज एन एटमाइजर, एटमाइजर से उसने ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया, एक साइड से एक्सरेज डाली, एक्सरेज से हमारा वो जो सैंपल है वो आयनाइज हो जाएगा और इसके बीच में एक रॉड स्पेस कर दिया। इधर से ऑयल का ड्रॉप, जैसे हम पानी स्प्रे करते हैं वैसे ऑयल ड्रॉप स्प्रे किया, ऑयल ड्रॉप अपने वेट की वजह से नीचे आएगा और नीचे की साइड पर एक नेगेटिव रॉड है। कौन सी रॉड है? नेगेटिव रॉड है। अब एक्सरेज क्या करते हैं? एक्सरेज आयनाइज करते हैं। एक्सरेज आर आयनाइजिंग, दे आर आयनाइजिंग, तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, अगर एच टू गैस अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या बना देंगे, उससे इलेक्ट्रॉन्स, क्या बना देंगे, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स ऑयल ड्रॉप के ऊपर आके बैठ जाएगा, हाँ या ना? तो हम इधर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये है एटमाइजर, पहले समझ लो फिर लिखते जा। एटमाइजर स्प्रे करता है बस छोटे छोटे पार्टिकल्स। हाँ, ड्राइव, ये चार्ज टू मास रेशियो की डेरिवेशन के पेपर्स हमारे पास नहीं है, तुझे देखना हो उसका रिसर्च पेपर ढूंढ के, तो उसको डेरिवेशन कर ही नहीं पाएगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है। तो ये समझ सकता है, जैसे तेरे पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो अगर मैं बोलूँ तेरे पास दो चीजें हैं एल और ए, तो तू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की रेशियो निकाल सकता है या उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज, रेशियो निकाल सकता है। ये चारों डिपेंडेंट थी डिफ्लेक्शन से, तो डिफ्लेक्शन की हेल्प से ये चार वेरिएबल्स थे। अब इसमें दो वेरिएबल तुझे पता थे तो इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता था, वो इन दोनों की उस फॉर्मूले में डाल के उसकी रेशियो निकाल सकता था, वो फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं एटमाइजर यूज किया उसने ऑयल ड्रॉप को, क्या किया, स्प्रे, और जब ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया ऑयल ड्रॉप नीचे आ गया, इसको माइक्रोस्कोप से देखता था और कि वो कहां पे है। अब ऑयल ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले जाएंगे, जैसे डर्ट चला जाता है वाटर ड्रॉप में, वैसे इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, ऑयल ड्रॉप्स के अंदर। तो ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज रॉड से वो क्या हो जाएगा, रिपेल, उसका वेट उसे नीचे लेके जा रहा होगा पर उसका चार्ज उसे ऊपर रख रहा होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? अब वो अगर सस्पेंड हो गया यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का अब मुझे क्या करना है, व्हाट डू आई नीड टू डू इस केस में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक शॉप है, ये कर क्या रहा है, चार्ज निकालना चाह रहा है, क्या निकालना चाह रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा एक शॉप है, शॉप पे एक कोई टॉफी मिलती है, उस टॉफी का रेट मुझे नहीं पता और मैं जाके पूछ नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ और बाहर खड़े हुए, बाहर आते हुए इंसान से पूछता हूँ कि टॉफी कितने रुपए की टॉफी खरीदी, ठीक है, तो क्या ये इस आंसर से मेरे पास टॉफी का रेट मिल जाएगा? कोई कहता है मैंने 35 रुपीज की टॉफी खरीदी,
कोई कहता है मैंने 49 रुपीज की कॉफी खरीदी, कोई कहता है मैंने 70 रुपीज की कॉफी खरीदी, कोई कह रहा है 21 रुपीज। मैं ऐसे करता जाऊं करता जाऊं, क्या मुझे कॉफी का रेट पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ये नहीं क्वांटिटी नहीं पता, पर ये पता है कि कितनी टॉफी, ये नहीं पता कितनी बार इतने की खरीदी। कभी तो मिल जाएगा, मैं इनफाइनाइट बार ट्राई करूं तब भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सोचो। एग्जैक्ट कॉफी का रेट मिल जाएगा अगर मैं बहुत बार ये करता रहूं तो मिल जाएगा। ये सब किसके मल्टीपल है? टॉफी के रेट की तो मल्टीपल आएंगे, प्राइस क्या होगा? मल्टीपल ऑफ द टॉफी प्राइस। ये किसके मल्टीपल है? 7 के, 21, 49, 35, 70। मैं बार बार करता रहूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि टॉफी का रेट क्या है, या नहीं पता चलेगा? चलेगा ठीक है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाल सकता था तो ऑयल ड्रॉप्स पे कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी नहीं पता मुझे कितने इलेक्ट्रॉन है, पर जितना चार्ज मुझे उसे देना पड़ रहा है उसको एक लेवल तक कांस्टेंट रखने के लिए, वो तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं जितना प्लेट पे चार्ज दे रहा हूँ वो मैं खुद दे रहा हूँ। और बार 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 करने से मेरे को पता चल जाएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितनी है, एक यूनिट कितना है। तो कभी वो ऑयल ड्रॉप 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा होगा, कभी 50, कभी 10, कभी 100, पर वो सारे एक ही नंबर के तो मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बार करने से मेरे को क्या मिल जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही फाउंड 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम मुलिकन की इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझ आया? नोट कर लो।
फिर हमने उसको नीचे चार्ज दिया प्लेट को, एक सर्टेन लेवल तक उसको सस्पेंड करने, जैसे किसी किसी को चार्ज ज्यादा लगता होगा, किसी को चार्ज कम लगता होगा, प्रोपोर्शनल टू कितना चार्ज उस ऑयल ड्रॉप पे। फिर उस ऑयल चार्ज मुझे देना पड़ रहा है, वो उस चार्ज की मल्टीपल वैल्यूज आई और मल्टीपल वॉल्यूम्स में से मैंने एक बेसिक यूनिट निकाल ली कि ये सारे इसी के मल्टीपल आ रहे हैं। तो वो इसी के मल्टीपल आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस मस्ट बी दी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक है, हेलो, हाँ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अभी हमारे पास चार्ज टू मास की रेशियो थी या नहीं, चार्ज बाय मास की रेशियो कितनी थी, 1.75 × 10⁻¹ कूलम पर केजी। अब इसमें चार्ज तुम्हें मिल गया है, मास तुम्हें निकालना है, करो शुरू। 1.6 × 10⁻¹-19 यहाँ पे पुट करो, मास नीचे पुट करो, और 1.75 × 10⁻¹ मास के लिए सॉल्व करो इसे। तो कितना आया मास, मास निकाल देंगे। नहीं, 1.6 × 10⁻¹-19 / 1.75 किया ना, 10⁻¹। तो ये 1.6 और ये भी 1.6 होता तो आंसर क्या आता, 1। पर ये न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स ये 0.9 समथिंग आएगा। ठीक है, × 10⁻¹ ये गया ऊपर, तो -11 ऊपर किया तो आया 30। तो इसको साइंटिफिक में करते हैं तो आता है 9.1 × 10⁻³-31 केजी, जिस दी मास ऑफ बॉडी। बोलो समझ आया क्या हुआ, क्यों 11 और ऊपर किया, 19, 19 और 11 ऐड कर 30 तो आएगा। अच्छा 30 आ गया था, तो 1 पॉइंट इधर तूने वैल्यू बढ़ाई तो पावर कम करेगा, -30 - 1 - 31। ठीक है, डन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया तुम्हें। अब कुछ बेसिक रिवाइज करते हैं, तुम्हें याद होगा एटम का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ए इलेक्ट्रॉन पर किसी आयन में हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ए इज कॉल्ड द मास नंबर, ए को क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसके इक्वल होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये दोनों चीजें याद रखते हुए क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट कर लो।
अच्छा अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस जेड, ये बड़ा वाला नंबर माइनस छोटे वाले से न्यूट्रॉन निकल आते हैं, ये प्रोटॉन के इक्वल है वो न्यूट्रॉन। और व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है इन इन मास नंबर माइनस अकॉर्डिंग। हाँ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है प्लस चार्ज, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है ये दो चार चीजें तुम्हारे को हेल्प करेंगी। ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सल्फर 34 16 टू माइनस, ठीक है इसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना। सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल है तो कितने आ गए 16 आ गए। इलेक्ट्रॉन कैसे है चार्ज, एटॉमिक नंबर माइनस, एटॉमिक नंबर 16 माइनस माइनस 2 कितने आ गए 18। ऐसा कुछ नहीं करके दिखाएंगे ये सेटअप थोड़ा मिटा दूं। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स 16 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.43 कर रहे हैं और 42 43 41 से 44 होमवर्क भी है, ये लिख लो होमवर्क 41 टू 44। एक मैं करके दिखा रहा हूं बाकी तुम दोबारा करोगे पहला क्वेश्चन। एन आयन विद मास नंबर 37, तो मास नंबर 37 है तो क्या होगा ये, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, मास नंबर किसके इक्वल होता है ए या जेड, ए एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है तो एटॉम मास नंबर ए है विच इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस कितना हुआ 37, यहां तक तो क्लियर है। एज इट हैज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज तो अब इसमें एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की इक्वल होता है यस और नो, और हमारा एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर की जगह प्रोटॉन भी ले सकता हूँ प्लस प्रोटॉन, अभी लिखा तो प्रोटॉन माइनस चार्ज, चार्ज कितना है -1, तो इसमें एक इक्वेशन क्या बनी प्रोटॉन प्लस 1, यहां तक क्लियर है। तो दो इक्वेशन बन गई अभी हमारी, एक ये और ये, इन दोनों से कुछ सॉल्व नहीं होगा अभी। ठीक है अभी एक और हिंट दे रखा है, आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, कितना ज्यादा है 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ज्यादा होंगे, तो ये वाली इक्वेशन समझो 11.1% मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन में 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड कर। ठीक है तो इससे एक और इक्वेशन बन गई,
ये हो गया 0.111 e, और ये हो गया e, तो आ गया 1.111 e, तो आ गया न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको उसमें डाल दें या इसको उसमें डालें, क्या करें हमें निकालना? यस सिंपल, हाँ करो, इसको सॉल्व करके पी निकाल दो, एटॉमिक नंबर निकाल। स्टेटमेंट बनाई है बस हमने। पहला मास नंबर 37 था, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 37। दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक यूनिट ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक यूनिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि -1 का चार्ज है, अगर इक्वल होते तो जीरो चार्ज होता। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से एक ज्यादा है, इट हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। या तो वो वाला फॉर्मूला लगा ले, जेड माइनस चार्ज। और तीसरी बात, 1.11 कितना आया? 19। हाँ ठीक है, तो देखो पुट करते हैं, न्यूट्रॉन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो यार 1.111 E प्लस P इज इक्वल टू 37। ठीक है, E में P डालें या P में E डाल देते हैं, तो P इज इक्वल टू 1.111 E प्लस P है E -1 इज इक्वल टू 37। सो -1 ये E ऐड हो गया और +1 उधर चला गया, 2.111 E इज इक्वल टू 38। ई इज इक्वल टू 38 बाय 2.111, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आएंगे 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ गए कितने? 18। अब प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन -1 होंगे, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन -1, 18 -1 17, 38 बाय 2.111, 18 आना। ठीक है, अभी तेरा 17 आना चाहिए था, वो 19 नहीं, सॉरी तेरा आंसर गलत है, प्रोटॉन आया 17, तो ये एटम हो गया क्लोरीन, 17 इज 37 और माइनस। ये प्रैक्टिस से होगा, ये सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, इसमें इक्वेशंस बनेंगी और इक्वेशन सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ से बता जिनमें? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली बात। हाँ तो इसको समझियो, दिमाग लगाइयो, इस पर थोड़ी देर बैठियो। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होता है, मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है।